हेलो स्टूडेंट, दिस इज उमेश एंड आप देख रहे हैं क्लास सेवेंथ के साइंस की कंप्लीट समरी। लेसन नंबर 4 को हम पढ़ेंगे आज, जिसमें हम फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज और क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे और रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिक चेंज टेक प्लेस अराउंड अस ऑल टाइम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल। थिंक अबाउट द फॉलोइंग, मेकिंग टोस्ट, ए फायरबर्ग डिस्प्ले, ए स्पेस शटल टेकिंग ऑफ, अ प्लांट ग्रोइंग, दे ऑल हैव वन थिंग्स कॉमन। यानी कि ये सब चीज़ के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, दे ऑल इन्वॉल्व केमिकल चेंजिंग टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। कि क्या है, इनके अंदर केमिकल चेंज इन्वॉल्व होते हैं जो नए सब्सटेंस को बनाते हैं। ये जितने भी प्रोसेस होता है केमिकल चेंज का, वो केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं फिजिकल चेंज की बात। सबसे पहली बात कि जो फिजिकल चेंज होता है वो हमारा टेम्परेरी बेस पर होता है ना, टेम्परेरी बेस पर होता है, परमानेंट नहीं होता। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, ये याद रखना कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, टेम्परेरी होगा फिजिकल चेंज और रिवर्सेबल होगा। रिवर्सेबल का मतलब होता है कि हम इसको दोबारा से पुनः बना सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ हमारे पास ये आइस क्यूब है, ठीक है, हमने क्या करा, जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। जब आइस क्यूब को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा। बट क्या है, जब पानी को ठंडा करेंगे तो दोबारा से क्या बन जाएगा, हमारा आइस क्यूब बन जाएगा, यानी कि बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा जब ठंडा करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर। तो ये हमारा क्या है, रिवर्सेबल प्रोसेस है। रिवर्सेबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि क्रिया करके हम दूसरी चीज़ बना रहे हैं और उसको दोबारा प्रोसेस करके वो चीज़ वापस बन रही है, ये रिवर्सेबल का प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये फिज़िकल चेंज में ही होता है केवल। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं इसके, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, यानी कि पानी का शुगर का पानी में मिलना, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, टियरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ वुडन स्टिक एक्सेट्रा, है ना, ये सारे जो हो गए फिजिकल चेंज के आपके एग्जांपल हो गए, ये एक्टिविटी हो गई है इसकी। ठीक है, पढ़ लेना इसको ईजिली, ये आपकी सेकंड एक्टिविटी हो गई। ठीक है, अब आता है केमिकल चेंज, कि केमिकल चेंज क्या होता है। हमने फिज़िकल चेंज में दो तीन चीज़ें पढ़ी, पहला पढ़ा हमने कि ये रिवर्सेबल होता है, दूसरा पढ़ा हमने कि ये टेम्परेरी होता है, तीसरी चीज़ थी हमारी कि इसमें कोई नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। यानी कि फिज़िकल में हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी कि रिवर्सेबल होता है, ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता और ये टेम्परेरी होता है। बट केमिकल चेंज हमेशा इसका क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा मतलब कि पहला पॉइंट ये कि ये परमानेंट होगा, ठीक है, दूसरा ये इरिवर्सेबल होगा। इरिवर्सेबल का मतलब होगा कि इसको वापस वो चीज़ दोबारा से क्रिएट नहीं की जा सकती, ठीक है, और तीसरा क्या होगा, तीसरा इसमें हमेशा न्यू सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनेगा, कभी पुराना वापस वो नहीं आएगा, दूसरा ही बनेगा। तो जैसे अगर हम बर्निंग ऑफ पेपर करें, है ना, बर्निंग ऑफ पेपर का मतलब कि कागज़ को अगर हम जलाएं, तो क्या कागज़ जलाने के बाद दोबारा वापस कागज़ बन सकता है, नहीं बन सकता ना। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी को आप जलाओगे तो दोबारा लकड़ी नहीं बनेगी, है ना, उसका क्या बनेगा, उसकी राख बनेगी, कोयला बनेगा, फिर राख बनेगी, दोबारा से लकड़ी में वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस टाइप के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब हमारे केमिकल चेंज में आते हैं। ठीक है ना, जैसे कि देख लो आप, व्हेन एन आयरन नेल्स इज प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ए न्यू सब्सटेंस कॉल्ड फेरस सल्फेट। यानी कि जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम आयरन सल्फेट से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। एक बात और बता देता हूँ, ये जो लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, वेट अ मिनट, इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, रिएक्ट
पेंट, ठीक है। और जो राइट साइड में होता है हमारा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम हमेशा प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना हमेशा। आगे बढ़ते हैं चलो, कि जो केमिकल चेंज इज़ परमानेंटली रिवर्सिबल बता दिया मैंने, केमिकल सॉरी चेंज इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यही बताया मैंने कि न्यू प्रोडक्ट बनेगा, परमानेंट होगा, रिवर्सिबल होगा, ठीक है। जो चेंज में भी गिव आउट या एब्जॉर्ब हीट लाइट साउंड, यानी कि या तो ये आउट मतलब या तो गिव अप करेगा या एब्जॉर्बेशन करेगा हीट का, लाइट का, साउंड का, ठीक है। चेंजेस में गिव आउट सम गैस और गैसेस, यानी कि कुछ गैस को आउट करेगा, ठीक है, ये नहीं भी करेगा, ज़रूरी नहीं है इसमें। अब आते हैं सम मोर केमिकल चेंजेस के पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हम कॉयल होता है, कोयला प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के आपस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी टाइप से एक्टिविटी 7 है, ये एक्टिविटी देख लो आप, बेकिंग सोडा और विनेगर की आपस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम प्लस वाटर, ये तीन चीज़ें बनती हैं। तो ये एक्टिविटी आप पढ़ लेना इसको, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। मेटल्स विच बी यूज्ड इन डेली लाइफ आर ऑब्टेंड फ्रॉम देयर ओर्स कैरिंग आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंज, न्यू मेडिसिंस आर प्रोड्यूस्ड बाय अ चेन और केमिकल रिएक्शंस, ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। तो जो प्लास्टिक्स होती हैं वो हमेशा केमिकल रिएक्शंस पे ही बनाई जाती हैं, ध्यान रखना, फिजिकल पे नहीं बनाई जाती हैं। ऑल काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। और अब पढ़ लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, पता ही होगा तुम लोगों को, है ना भाई। तो रस्टिंग क्या होती है, व्हाट इज़ रस्ट, रस्ट क्या होता है, रस्ट इज़ अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा होगा, रेडिश ब्राउन सब्सटेंस दैट अपेयर ऑन सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज इन मॉइस्ट एयर, यानी कि अगर हम खुली हवा में कोई मॉइस्चर एयर में अगर कोई हम लोहे की चीज़ रख देते हैं तो उस पर एक ब्राउन ब्राउन टाइप का जमना शुरू हो कर जाता है, ठीक है, वो हमारा रस्टिंग होता है, यानी कि जंग लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि कोई आयरन यानी कि Fe प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और वाटर और जी ये लोहे की जब संपर्क इसके वाटर के संपर्क में आएगा और ऑक्सीजन के संपर्क में, सपोज दैट कोई हमारा लोहे की रॉड रखी हुई है, ठीक है, अब क्या है उस पर हमने पानी डाला, काफ़ी टाइम से हम पानी डाल रहे हैं इसके ऊपर, और वो हवा मतलब किसी एयर टाइट जगह नहीं रखी हुई है, खुला जगह हमारे लोहे की रॉड रखी हुई है, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद क्या है उस पर ब्राउन कलर के मतलब लाल कलर की जंग लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो किस जंग लगने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लोहे पर जंग लगने के लिए, ठीक है। अब रस्टिंग टेक प्लेस ओनली व्हेन द वाटर और ऑक्सीजन, ये तो मैंने बता दिया। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग और पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट बाय गैल्विनाइजेशन, मतलब कि हम इसको जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं कि जो लोहे की रॉड है हमारी तो उस पर या तो हम पेंट करें या ऑयल की ग्रीसिंग कर दें, ठीक है। ग्रीसिंग करने से भी क्या है वो आयरन जो हमारा लोहा है उसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। अब आती है बात क्रिस्टलाइजेशन की, तो क्या है जो कॉमन सॉल्ट होती है हमारी दैट एडिड टेस्ट टू आवर फूड इज ऑब्टेंड बाय इवेपोरेशन सी वाटर, जो खाने वाली जो सॉल्ट नमक होती है उसको हमें कहाँ से बनाया जाता है, वो सी वाटर को एवेपोरेट करके बनाया जाता है ना। तो जो सॉल्ट हमें मिलती है ऑब्टेंड होती है वो वेरी स्मॉल एंड क्रिस्टल होती है, यानी क्रिस्टल टाइप की होती है और वो प्योर नहीं होती है। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन, हाउएवर व्हेन सॉल्ट कम आउट ऑफ सॉल्यूशन दे फॉर्म मैनी क्रिस्टल, ठीक है। लेट अस नाउ मेक सम क्रिस्टल, हम सम क्रिस्टल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपका लेसन की समरी थी, जो आपकी लेसन की समरी फिनिश हो गई है। सो ये बेसिकली बहुत अच्छा चैप्टर है।
ठीक है। और अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इसकी हम एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के यूनिट टेस्ट, ऑनलाइन यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसमें आपके 4 लेसन आ रहे हैं और ये आपका यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है, लेसन नंबर 4 ये आपका यूनिट में भी आएगा। तो MCQs जो टाइप के आपका पूरा पेपर बनेगा, तो इस चैप्टर को ध्यान से आप रिवाइज़ करना, इसकी आप एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब याद करना, क्योंकि आपके जो MCQs बनेंगे वो कहीं से भी बन सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मैंने बताया था कि रिवर्सेबल नहीं होता है, नया सब्सटेंस हमेशा बनेगा और ये परमानेंट होगा, ठीक है। तो देखो भाई, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला ये नहीं होगा। क्लॉथिंग की आयरनिंग करना यानी कि प्रेस करना, वो भी नहीं होगा। ड्राइंग, हेयर की ड्राइंग करना है, वो भी नहीं होगा। तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल को जब जलाओगे तो दोबारा से पेट्रोल नहीं बनेगा ना, तो ये केमिकल चेंज में आ गया। दूसरा है विच ऑफ द कैन नॉट प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ, रस्टिंग ऑफ जो आयरन पर जंग लगने को हम किस से बचा नहीं सकते। हम देखो गैल्वेनाइजेशन से बचा सकते हैं, अलॉइंग से, ग्रीसिंग करके हम उसको जंग लगने से बचा सकते हैं, बट अगर हम उसको पानी में डुबोते रहेंगे तो कहाँ से उसको बचाएंगे भाई, वो तो खुद उसका सोर्स है पानी और ऑक्सीजन जंग लगने का। तीसरा है द गैस प्रोड्यूस व्हेन जिंक रिएक्ट विद डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब जिंक को HCl से क्रिया कराई जाती है ना, जब जिंक की क्रिया HCl से कराई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो जिंक हाइड्रोजन हमारा आंसर हो जाएगा। अब आती है फिल इन द ब्लैंक्स की बात, बर्निंग ऑफ अ कॉयल, कोयले को जलाना जो होता है वो फिजिकल होगा या केमिकल होगा? ऑफकोर्स केमिकल होगा, क्योंकि भाई जब कोयले को जलाओगे तो राख ही बनेगी, ठीक है। दूसरा, मोस्ट केमिकल चेंजेस आर, केमिकल चेंज क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं, ठीक है। और जैसे वेयर एज द मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी, ठीक है। मैंने बताया था कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, फिजिकल चेंज हमेशा टेम्परेरी होते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग लगना क्या है? केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। और मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर का जो है मेल्ट होना वो क्या? फिजिकल चेंज है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर, जो मिक्सिंग है आयरन और सल्फर का वो फिजिकल चेंज है, बट गर्म करना आयरन को और सल्फर को वो हमारा केमिकल चेंज है, ठीक है। द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डुबोया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। ट्रू फॉल्स पढ़ते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक आर्टिकल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, गलत, गैल्वेनाइजेशन ये नहीं होता है। दूसरा, ओनली ड्राई एयर इज नीडेड रस्टिंग ऑफ टेक प्लेस, गलत, ओनली ड्राई एयर नहीं होती। तीसरा है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए फिजिकल चेंज, अभी तो मैंने ऊपर बताया था, ये भी गलत हो गया, पहला सही है बस, ठीक है, बाकी अभी पढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट, यस, स्टील पर कभी जंग नहीं लगती है। पांचवा, वर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज, यस, ठीक है। तो आपका दूसरा और तीसरा गलत है, बाकी सब सही हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं जितनी वीडियो बनाऊँ सारी पहुँच जाएँ आप तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन देख लो आप, सारे पढ़ लेना है ना, इसके आंसर मैं नीचे लिखे हुए हैं, तो इसलिए आप क्वेश्चन को या तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। एक काम करो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे मैं नीचे इसके क्वेश्चन के आंसर कराऊंगा, तो आप देख लेना इसको, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपका है कि फिजिकल चेंज रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल, मैं सीधी सी बात बताई थी कि फिजिकल चेंज है वो रिवर्सेबल प्रोसेस है। केमिकल चेंज, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज, तो आंसर देख लेते हैं इसका। सेकंड है, केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस, ठीक है। दूसरा है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ टेक्निक, क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक है जो यूज होती है किसमें? प्योरिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस का प्योरिफिकेशन करने के लिए। और दूसरा क्या है, गैल्वनाइजेशन क्या होता है? तो रस्टिंग कैन बी परमानेंट बाय ऑयलिंग और पेंटिंग सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट बाय गैल्वनाइजेशन, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन था हमारा, स्टेट एनी मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग यूज रस्टिंग, रस्टिंग को बचाने के लिए, जंग लगने के लिए बचाने के लिए कौन सा एक मेथड यूज, तो मैंने गैल्वनाइजेशन के बारे में बता दिया है।
हवा डज अ फिजिकल चेंज इन्वॉल्व, फिजिकल चेंज में क्या इन्वॉल्व होता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, ए चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस आर चेंज्ड एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, फॉर एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट थिंग्स आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस, तो इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर टू, रस्टिंग टेक प्लेस ओनली व्हेन वाटर एंड ऑक्सीजन, जब वाटर और ऑक्सीजन दोनों कांटेक्ट में आते हैं सेम टाइम पर तब जंग लगती है, ठीक है। तीसरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन एनी थ्री मेथड बाय रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉरी शॉर्ट का है, शॉर्ट का है, व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन, तो शॉर्ट का थर्ड क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट विद जिंक पाइप्स कैरिंग वाटर इन सिटीज आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जो आयरन के ऊपर कोटिंग की जाती है जिंक पाइप की, है ना, जो कि क्या है, रस्टिंग प्रिवेंट फ्रॉम देम रस्टिंग, यानी कि वो जंग लगने से बचाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यस मैं वर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज बिकॉज इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर नंबर वन करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये तो आप इजिली कर लोगे, है ना, बता देता हूँ। अगला है व्हाट इज रस्ट, तीसरा है एक्सप्लेन थ्री मेथड ऑफ विच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंट, और चौथा है हाउ वुड यू शो द वर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन इज कॉल्ड रिवन इज ए केमिकल चेंज, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या है, टेम्परेरी होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है, एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड एवेपोरेशन। केमिकल चेंज क्या, परमानेंट होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, जैसे बर्निंग ऑफ वुड और रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग का रस्टिंग इज अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस दैट अपेयर्स ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज द मॉइस्ट एयर, रस्टिंग टेक प्लेस ओनली व्हेन द वाटर एंड ऑक्सीजन केम इन टू द कॉन्टेक्ट एट द सेम टाइम, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय बॉइलिंग और पेंटिंग सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट बाय गैल्वेनाइजेशन। मतलब जो एक आयरन पर जो ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का लगना शुरू हो जाता है उस पर मॉइस्ट एयर में, तो वो क्या है, जंग लगना शुरू हो जाता है, और ये जब कब आता है, कब जगह लेता है, जब वाटर और ऑक्सीजन दोनों सेम टाइम पर उस पर लग रहे हों, ठीक है। और इसको कैसे रोका जा सकता है, पेंट करके रोका जा सकता है, है ना, और उसको बॉइलिंग और पेंटिंग करके सरफेस को, उसके आयरन सरफेस को बाय गैल्वेनाइजेशन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला था हमारा लॉन्ग का, तीन मेथड पूछे थे, ठीक है। तो पहला मेथड है आयरन सरफेस इज कोटेड विद पेंट, यानी कि आयरन सरफेस को कोटेड कर दो पेंट के थ्रू, इट इज़ अ टेम्परेरी सॉल्यूशन, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, द आयरन सरफेस इज सील्ड फ्रॉम ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। दूसरा था आयरन इज कोटेड विद अनदर मटेरियल मेटल सच एज जिंक, द प्रोसेस कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। थर्ड देख लेते हैं, इन अ लेयर ऑफ एफ ई एंड सी आर इज फॉर्म्ड, दिस अलॉयज स्टेनलेस स्टील, इट रिड्यूस टू टेंडेंसी, ये स्टेनलेस स्टील होती है, ये रिड्यूस करती है किसको, आयरन को ऑक्सीडाइजेशन करने के लिए। अगला है भाई लॉन्ग का फोर्थ क्वेश्चन, ये आप क्या, टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 10 सेंटीमीटर, ये तो प्रैक्टिकली है, आप इसको कर लेना। हॉट क्वेश्चन था, हॉट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। एक बोतल का परफ्यूम बाय मिस्टेक ओपन रह जाती है, तो आफ्टर अ फ्यू डेज इट्स वॉल्यूम फाउंड वी रिड्यूस एंड हाफ, यानी कि इसमें ये पूछ रहा है कि अगर परफ्यूम की हम बोतल आदि खाली रखे रहेंगे तो कुछ टाइम बाद क्या है, वो उसका जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा सा उसका आधा हो जाएगा, उसका रीज़न बताओ। दूसरा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स एयर एंड वाटर, यानी कि जो रस्टिंग होती है आयरन पर वो रिक्वायर्स होती है वाटर एंड एयर की, तो डज द क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर अफेक्ट इन रस्टिंग ऑफ प्रोसेस, क्या इफेक्ट करती है, पढ़ लेते हैं देख लेते हैं, है ना। तो पहला आंसर है, आफ्टर अ फ्यू डेज द वॉल्यूम ऑफ योर परफ्यूम बॉटल वाज फाउंड टू हैव रिड्यूस्ड टू हाफ, इट इज़ बिकॉज द परफ्यूम एवोपरेट वेरी क्विकली, यानी कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो परफ्यूम होता है बहुत जल्दी से एवोपरेट होता है, बहुत क्विकली एवोपरेट होता है, ठीक है। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट परफ्यूम्स आर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जैसे कि पेट्रोल होगा डीजल होगा, वह क्या होता है, अगर आप उसको अगर लॉक ना करो, उसको बंद ना करो, तो परफ्यूम की तरह भैया पेट्रोल और डीजल वगैरह भी उड़ जाता है,
सेकंड है हॉट क्वेश्चन का आंसर, सुफिशियंट ऑक्सीजन, यानी कि सुफिशियंट जितनी नीड होती है ऑक्सीजन की, सुफिशियंट ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बिकॉज इफ यू टेक अ फुल्ली डर्टी वाटर कंटेनिंग नो ऑक्सीजन देन रस्टिंग विल नॉट अकर, यानी कि अगर डर्टी वाटर होगा, गंदा पानी होगा और ऑक्सीजन उसमें नहीं मिल रही होगी तो वो जो रस्टिंग है वो नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगी, है ना, देन रस्टिंग विल नॉट अकर. रस्ट इज एन आयरन ऑक्साइड यूजली रेड ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर मॉइस्चर. तो ये आपका लेसन आपका फिनिश हुआ है और आपके जो यूनिट टेस्ट आने वाला है तो आप जो है यूनिट टेस्ट की तैयारी करो, है ना, MCQs वाले टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन, अच्छे से तैयारी करो. और वीडियो देखने के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.